हेलो फ्रेंड्स मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस वी दोस्तों हमारा सी टेट के लिए ई वी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ये सीरीज काफ़ी दिनों से चल रही है जिसने अभी नहीं देख रखी देखिए प्ले में अपडेट होगा कम से कम बीस सेट करवा रख चुका हूं मैं ई के और जैसे प्रीवियस रहे हुआ क्वेश्चन और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है पैडोगॉजी भी होती है उसमें सब कुछ होता है तो प्लीज़ अटैम्प्ट करिए तीस क्वेश्चन होता है जैसे आपके एग्जाम में वैसे ही ऐसे उसे लगाइए देखिए आपकी तैयारी कैसी है चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हम हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है पहला कथन ये दूसरा क्या है इनमें से सत्य कथन सुनने कौन सत्य कथन दूसरा क्या अधिकांश हाथी दिन में लगभग दस घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं तीसरा क्या है तीन महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग दो सौ किलोग्राम होता है और चौथा क्या है अधिकांश बड़े हाथी का एक दिन में लगभग सौ किलोग्राम मतलब सौ किलोग्राम पत्ते या झड़े खा लेते हैं एक दिन में न, एक कुंटल अब आप ये बताइए इनमें से कौन से कथन सही है कौन से गलत हैं या सारे सही हैं तो आपके सामने ऑप्शन है देखिए पहला ऑप्शन है केवल पहला और चौथा सही है दूसरा है केवल दूसरा और चौथा सही है तीसरा है पहला तीसरा और चौथा तीनों सही है या फिर चौथा एक और दो ही सही है तो आप देखिए इसके कौन कौन से आंसर सही होंगे देखिए पहला सही है हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इन इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है पहला सही है ठीक है इसका तीसरा सही है तीन महीने के हाथी बच्चे को लगभग वजन लगभग दो सौ किलोग्राम होता है ठीक है और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग सौ किलोग्राम पत्ते जड़े खा लेती है ये सही है ये गलत है या तो यानी कि पहला तीसरा चौथा कौन सा ऑप्शन है मेरा थर्ड ऑप्शन है ठीक है यही आंसर है हमारा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है फिर से कथन वाला क्वेश्चन है पैडोगॉजी होती है एक तरह से मधुबला के बारे में वो मधुबनी चित्रकला है इसके बारे में आपको बताना है कि क्या सही क्या गलत है तो पहला क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या है इन चित्रों को बनाने में नील हल्दी फूल पेड़ों का रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है पहला तो यही हो गया अब दूसरा देखते हैं इन चित्रों को जान चित्रों में इंसान जानवर पेड़ फूल पंछी मछलियां आदि के दिखाए जाते हैं तीसरा क्या ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा और चौथा क्या मधुबनी राजस्थान का एक अति प्रसिद्ध जिला है आपको बताने से कौन कौन से कथन सही है कौन से गलत है तो देख लीजिए आप इस से तो चार ऑप्शन है इसके ये देखिए तो देखिए कौन सा सही है पहला सही है इन चित्रों को बनाने में नील हल्दी फू, फूल पेड़ों का आधे रंग इस्तेमाल करते हैं ये सही है इसका दूसरा भी सही है इन चित्रों में इंसान जानवर पेड़ फूल पंछी मछलियाँ आदि दिखाई देती है ये भी सही है और फिर ये भी सही है ये, सही है। ये बहुत पुरानी है इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा लेकिन ये राजस्थान के नहीं ये गलत है ये कहाँ की बिहार की अगर बिहार लिखा तो चारों सही ही रहता है लेकिन राजस्थान ने रखा है तो गलत हो गया ठीक है ये तो ए बी कि ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोसला बनाता है तो ये पक्षी कौन सा हो सकता है ऊंची डाल पर कौन पर ऊंची डाल पर अपना घोसला बनाता है कलचड़ी शकरखोरा कौआ फाखता तो कौन सा है कौआ अपना घोसला हमेशा ऊंची डाल ऊँची बनाता है याद रखिएगा ठीक कौआ आंसर इसका नेक्स्ट देखते हैं पोचमपल्ली एक गाँव है ये गाँव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इस इसे भी पौचमपल्ली कदम मतलब जो बुनाई की जाती है ना उससे भी पोचमपल्ली कथ याद रखेगा तो ये गाँव किसका भाग है कहाँ पर है ये पूछा तरह से ये पूछा गया कहाँ का देखिए आप कर्नाटक का है केरल का आंध्र प्रदेश का तमिलनाडु का तो कहाँ का है ये आंध्र प्रदेश का भाग ही याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब ये रेगिस्तानी ओक के बारे में बात कर रहा है क्या रेगिस्तानी ओक आप देखते हैं सारे ऑप्शन ऐसे दिखा देंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन बताना है ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये पेड़ एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं इस पेड़ की जड़ें ज़मीन उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुँच सके और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है तो वीडियो लंबा हो जाएगा जिसमें डायरेक्ट बता रहा हूँ कौन से पहला तीसरा और चौथा ही सही है दूसरा गलत है ये विशेष प्रकार का पेड़ है जिसे टहने से लग ये गलत है ठीक है नहीं देखते अब ये अबू धाबी के बारे में बात कर रहा है किसके अबुधा अबुधाब अबू धाबी जो है किसके सही कथन चुनना है आपको ये जाएगा स्थानीय इलाके में अबूधाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है ये यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है अबूधाबी की मुद्रा रुपए को दीनार कहते हैं बताइए कौन कौन से सही है तो देखिए ये रेगिस्तानी इलाके में ये बिल्कुल सही है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा बिल्कुल सही है वहाँ पर पानी बहुत कमी है लेकिन पेट्रोल बहुत होता है ठीक है और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है ये भी सही है लेकिन डी गलत है ठीक है ये वाला क्योंकि यहाँ पर रियाल है ना कि दीनार तो ये ऑप्शन सही हमारा ए बी सी ठीक नेक्स्ट कुछ जानवर रात में जागते हैं ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वो कैसे कलर है मतलब ये जो रात को जागने हरा और पीला बैंगनी और नीला काला और सफ़ेद लाल और संतरी तो रात को कौन से कलर देखा जाता ब्लैक एंड वाइट सीधी बात है रात को कलर दिखेंगे नहीं नहीं देखते हैं ये क्वेश्चन मैं छोड़वा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है चित्र नहीं बना हुआ चित्र की बात हो रही थी पर चित्र नहीं बना हुआ इसीलिए ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं मृत सागर क्या है अमृत सागर के बारे में बात हो रही है किसी अमृत सागर के बारे में तो देखिए क्या है ऐसा सागर सभी सागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है ठीक है महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है यानी डेड सी की बात करें डेड सी की ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है और ऐसा सागर जिसमें जोर भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं और ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना ख़तरनाक होता है ये कुछ नहीं है गलत है ये लिखा हुआ इतना देखिए अब यहाँ तक तो बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है क्या है सागर तो जानते हैं अमृत सागर क्या है इसका पानी जो है सबसे ज़्यादा नमकीन है डेट सी सबसे ज्यादा नमकीन है इसका सागरों महारासागरों से भी ज्यादा इतना नमकीन है इसका पानी कि यहाँ पर जब आप जाएंगे ना पानी में डूबने के लिए तो डूबेंगे नहीं अब उसमें ऊपर तैरते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लवड़ी है ठीक याद रखिएगा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा तीन के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्र विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है तो नीचे देखे अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है तो देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उसके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना दूसरा क्या है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग कर उनकी व्याख्या करना तो तीसरा क्या पाठ पुस्तक में विभिन्न गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना या फिर किसी बाहरी भोजन वाली व्यवसाय एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना क्या सही रहेगा बताइए आप तो क्या सही रहेगा पहला ऑप्शन विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के आधार संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठी सूचना का आदान प्रदान करना यह सबसे बेटर ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अच्छा क्वेश्चन काफी बड़े बड़े सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए थे ये सब प्रीवियस ईयर ठीक है कक्षा पांच के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंता के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे देखे क्रिया कलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना या फिर किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु जल और प्रदूषण पर भाषण अब आप देखिए कैसे, रहे कैसे रहेगा कैसे रहेगा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित सम समूह परियोजनाओं को पर कार्य करने के लिए कहना ये सबसे बेटर ऑप्शन है ठीक नेक्स्ट देखते हैं नेहा कक्षा पाँच के ई विषय में दी गई नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है हस्तसिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन गृह कार्य मूल्यांकन परियोजना कार्य मूल्यांकन मौखिक परीक्षा नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल यू, अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है सबसे अच्छा ऑप्शन बताना आपको कौन सा होगा पहला चौथा दूसरा तीसरा दूसरा चौथा पहला दूसरा तो कौन सा रहेगा पहला तो सही है हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और चौथा सही है मौखिक परीक्षा चौथा क्या है हाँ मौखिक परीक्षा चले ये सबसे बेटर ऑप्शन ठीक है तो पहला ये ये गलत है पहला और दूसरा सही है पहला और चौथा सही है ये बेस्ट ऑप्शन है ठीक है हमारा ये और ये दूसरा कार वाला गलत हो गया तो ऑप्शन एक कटेगा ठीक है हैं EVS में किसी अच्छे ग्रहकार को मुख्यता किस पर केंद्रित होना चाहिए यानी कि होमवर्क की बात कर रहा है कैसा होना चाहिए मास्टरी लर्निंग पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना या फिर समय का सदुपयोग तो क्या होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना ये बेस्ट है ठीक नहीं ने कक्षा चार विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है विज्ञान केंद्र अंदर दिखाएगी तो वो घूमेगी ठीक है शैक्षणिक भ्रमण के तो इसके लिए कोई शेड ऐसा जो अप्रासंगिक है वो बताना कौन सा है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषम प्रश्न पूछना बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना या अपना साथ पेन और नोटपैड ले आना तो जब हम उसे भ्रमण पर लेकर जा रहे हैं तो दिन भर का पूरा बस्ता लेकर क्यों आएगा वो क्या पढ़ेगा क्या बैठ के वहां पे जाके नहीं ना ये सब बाकी सारे ऑप्शन सही है लेकिन वो गलत है ठीक है याद रखेगा प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए क्या होना चाहिए अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता या फिर पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना क्या सही है क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए हमने बोला जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे बस वही आंसर है अपॉर्चुनिटी कहां दिख रहा है बस आपको कुछ देखनी नहीं है ये बेस्ट है नेक्स्ट हमारा प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या क्या कारण ये पूछेगा कारण क्या विषय के अधिगम में आमोद प्रदान करना विद्यार्थियों में साहित्य रुचि विकसित करना मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना या फिर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य नित्यचर्या और एक में परिवर्तन क्या सही है बताइए क्या सही है विषय के अधिगम के में आमोद प्रमोद प्रदान करना ठीक ये बेस्ट ऑप्शन है नहीं सकते हैं चार भावी शिक्षकों से कक्षा पाँच के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुत पस्तु, प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया तो देखते हैं क्या है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाला चार्ट का उपयोग विद्यार्थियों से यात्रा के लिए विभिन्न साधनों के लिए चित्र रेखा करके स्वाब बुक बनाने के लिए कहना या फिर एक ऑप्शन और होगा यह विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों को वर्णन करने के लिए कहना तो यही है हमेशा अपने अनुभवों के बारे में बताओ ये हमारा एनसीएफ भी कहता है उनसे अनुभव से जोड़ो ठीक है तो यही है ऑप्शन हमारा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ये थोड़ा सा मिसप्रिंट ऐसा है फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन देखिए आपको कक्षा पांच की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया है और कथन ये लिखा है वो सोचिए और सो, सोचिए और चर्चा कीजिए तो यदि आपके गांव अथवा शहर में शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए तो इसके ऑप्शन नहीं है सीधे आंसर दे रखा तो ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन इसके मिसिंग है वास्तविक जीवन की चिंता को समझने हेतु तो कल्पना और सोचते विचारने की सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना यही ऑप्शन होगा तो यही होगा क्या कल्पना करना सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना ठीक है तो ये इसका आंसर होगा ठीक है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसके ऑप्शन मिसिंग है नेक्स्ट देखते हैं ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है कौन सी प्रश्नोत्तर तकनीक का ठीक है तो देखते हैं ऑप्शन शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासापूर्ण करने के लिए विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसके लिए देखिए क्यूरसिटी जो विद्यार्थी देखिए ये देखिए एक ऑप्शन ये भी है और ये भी लगेगा सही है ये भी लगेगा सही है ये भी लगेगा सही है लेकिन बेस्ट बेस्ट ऑप्शन क्या जिज्ञासा उत्पन्न करना नहीं जिज्ञासा विद्यार्थी बहुत क्यूरियस है जानने के लिए सीखने के लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें बाकी भी ऑप्शन है सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा ठीक है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है मतलब क्या उद्देश्य है इसका ईवीएस पढ़ाते हैं इसका मोटिव क्या है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना विषय की मूल संकल्प संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना फिर वही बात है एनसीएफ ने क्या बोला कि शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ो तो कहां है बाहरी जीवन बाहर के जीवन से संबंधित बस यही ये यह की वर्ड ये की वर्ड आप की देख लीजिए की मैं एक दिन आपको करवा दूंगा एग्जाम से पहले की वर्ड याद याद देखिए बस वही ऑप्शन होगा ठीक है नेक्स्ट प्राथमिक स्तर ब्रक्ष। स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के, के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने नीचे देखा कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है क्या ऑप्शन क्या ये नहीं देख रहे हैं। नहीं नहीं है। ये नहीं ये पे ध्यान देना आप तो ऑप्शन देखते हैं प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को बनाकर अपनी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना अपना कर बना करना वृक्षों पर नारा लेखन स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित कराना बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना हमें हमें वृक्षों के के संरक्षण बारे में बताना और लकड़ी के लट्ठो दिखाएं तो संरक्षण कर रहा हम लोग ये तो कटा हुआ दिखा रहा हैं लकड़ियां तो तो बेकार है ना तो ये गलत है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईवीएस की कक्षा में जल का पार पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले का आयोजित किया ठीक है रोल प्ले आयोजित किया इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था अधिगम की प्रक्रिया में एक एक रस्ता को तोड़ना विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना फिर जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान वृद्धि करना क्या सही रहेगा देखिए ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सक्रिय हो गया क्या सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना ये है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है पढ़ाई की विषय की संख्या कम करना शिक्षार्थी को पर्यावरण को सांकल्य दी ढंग से देखने का योग बनाना विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना क्या सही रहेगा तो बोझ कम करना बस्ते का ठीक है ये है नेक्स्ट देखते हैं ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम है सबसे प्रभावी इफेक्टिव लर्निंग कौन सी होगी संबंधित मामलों मामलो, पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना संबंधित मामलों पर कुछ प्रतियोगिता का संचालन करना या विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना ठीक है नेक्स्ट पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास से किसी होटल जाकर लिंग हू फैन खाते हैं ये छात्र कहाँ खा सकता है पूछो कि छात्र कहाँ कह सकता है जो लिंग हु फैन खाता है सांप कहाँ खा जाते हैं बताइए हांगकांग असम उड़ीसा अरुणाचल क्या खा जाता है साँप कहाँ हांगकांग में सांप खा जाता याद रखेंगे कौन सी जिसे होती है लिंग हु फैन सांप आप सब बिच्छू सब खा जाते हैं ये लोग ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है यह लिपि आठ बिंदुओं पर आधारित होती है बिंदुओं की पत्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पड़ा जाता है तो इसमें मतलब बताना कौन कौन से स्टेटमेंट सही है तो आपके सामने ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा पहला तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा तो कौन सही है पहला सही है तीसरा सही है चौथा सही है आप देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से सही कथन चुनना है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं आप बताइए कौन कौन सा सही है कौन कौन से सही है आपके सामने ऑप्शन ये पूरे तो कौन सही है एक तो ये भी सही है पहला सही है और बी सही है, दोनों सही है बाकी गलत है ठीक तो कौन सा ऑप्शन है फोर्थ पहला दूसरा मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए मधुमक्खी पालन के शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है लीचे के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शायद का मना करने के लिए किसी बक्ष्सों की आवश्यकता होती है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है क्या सही है इसमें से तो कौन सा सही है दूसरा तीसरा चौथा पहला गलत है दूसरा तीसरा चौथा सही है ठीक है नहीं सकते ये पूरा क्वेश्चन है इतना बड़ा क्वेश्चन आया था देखिए किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नगर होल कोल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे देखिए जानकारी नोट की उस दिनाग स्टेशन का नाम पहुंचने का समय स्टेशन छोड़ने का समय गांध गांधी गांव से दूरी ये सब लिखा हुआ है ये देखिए ये उससे से निष्कर्ष निकाला है इस क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से हम इसका आंसर बता देंगे आपको तो ये जो क्वेश्चन का आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं ठीक है इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा ए सी ओ डी आप इसे अच्छे से पढ़ के देख लेंगे कैसे आंसर होगा इसका ये नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है तो देखिए रिजर्वेशन की बात कराइए टिकट बुक कराने की तारीख और समय यात्रा पर शुरू करने की तारीख और समय ये डिब्बे का नंबर डिब्बे का बर्थ नंबर और किराया यात्रा करने वालों का नाम आयु और लिंग ट्रेन का नंबर वह स्टेशन जहां ट्रेन से पकड़नी और अंतिम स्टेशन का नाम अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय तो कौन कौन सी देखनी चाहिए तो देखिए इसका आंसर क्या जाएगा इसका आंसर हो जाए? इस जाएगा थर्ड ए बी डी ई e. ठीक है सी नहीं होगा सी क्यों नहीं होगा देखिए आप बाकी सब पढ़ लीजिए सी देखिए सी हम आरक्षित वाली ट्रेन पर बुक कराना चाहें उनसे पूछे कि यात्रा करने वाले लोगों के नाम बताइए आयु बताइए लिंग बताइए वो बताएंगे क्या बता ये सब पर्सनल होता है ये पता है नहीं रहता किसी का कौन कहाँ जा रहा है कौन सी कितनी एज है क्या आयु ठीक है तो ये गलत हो गया बाकी सब सही है तो गाई ये हमारा आज पैडोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन था ईवीएस का काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेशन था प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए थैंक यू